हेलो हाँ जी नमस्कार मैं विक्रम सिंह आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला उसका व्यंजक डेवलप करना है डेराइव करना है व्यंजक कैसे निकाला जाए बिल्कुल सिंपल तरीका है मैं आपको बहुत लंबा खींचूंगा नहीं आप, आप बस एक काम कर लीजिए अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए मेरे साथ होते हुए आप आगे बढ़िए बिल्कुल एक एक चीज समझेंगे मैं आज एकदम हाई फाई ये वो ऐसे करके नहीं पढ़ाने वाला आज एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाने वाला हूँ सिंपल तरीके से बातों को समझने की कोशिश करिएगा और आज की क्लास में अभी है हेमंत और क्या नाम कौशल रूबी प्रतिमा संजय बहुत सारे स्टूडेंट राज धीरज नीरज पारुल उमा ब्रह्मदेव ओके बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं और सारे बच्चों को बोलूंगा बस बेटा एक काम करो जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो कॉपी ओपन कर लो नोटबुक ओपन कर लो और आपको बात समझ में आने लगेगी एक एक बातें तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बातों को समझते हैं हाँ जी चलिए आज की क्लास में सबसे पहले देखें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहेंगे और उसको डेराइव कैसे करेंगे इसके फॉर्मूले वो देख लेते हैं तो फॉर्मूला डेरिवेशन में आपको सिखा रहा हूं आपको ध्यान से देखना है आपको मेरे साथ चलिए सब तैयार है अपनी अपनी कॉपी लेकर के बोलो यस सर नो सर क्या आपको मनोरंजन करना है कि आपको पढ़ाई करना है ये पहले तय कर लो अगर आपको मनोरंजन करना है तो नाचेंगे गाएंगे खाएंगे पिएंगे और क्या है ना घूमेंगे फिरेंगे गाना गाएंगे है ना तो ये सब चीजें होती है लेकिन यदि आपको फ्यूचर के लिए सोचना है आपको समझना है सीखना है जिससे आपका भविष्य अच्छा बन सके तो पढ़ाई करेंगे फिलहाल एक बात समझो शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहेंगे आपके सामने लिखा हुआ है कोई बताएगा शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहेंगे बोलिए शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहेंगे हां भाई एक बात बताना चाहूंगा कि आपके केमिस्ट्री का प्ले बन गया है आपके इस चैनल में बना हुआ है उस प्लेलिस्ट वाइज आप पढ़ाई कर सकते हैं बायोलॉजी का भी प्लेलिस्ट बना बना दिया गया है अब कुछ दिनों में फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट बन जाएगा फिर मैथ्स का भी प्लेलिस्ट बन जाएगा तो प्लेलिस्ट वाइज आप पढ़ाई कर सकते हैं बड़े आराम से फिलहाल कुछ बच्चों ने कहा है तो इसका जवाब दे रहा हूं मैं आपको पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना एक बच्चे ने पूछा तो बेटा यहां पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा दो नंबर उस नंबर पर कॉल करेंगे सुबह दस बजे से शाम को पांच बजे 6 बजे के बीच सुबह दस से शाम को छह बजे के बीच कॉल करके आप पूरी जानकारी ले लीजिएगा और इसी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं विक्रम हैप केमिस्ट्री हमारा ऐप है ओके अब दूसरी बात कहेंगे यहां पर समझेंगे क्या है भाई शून्य कोटी अभिक्रिया लिखा हुआ है यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसकी अभिक्रिया का दर जो है अभिक्रिया के स्पीड जो है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है हर बच्चे को क्लियर हो गया किसे कहेंगे बेटा बोलो वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया का स्पीड जो होता है अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे समझेंगे इनको हम यहां पर देखते हैं चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाते जाता हूं आप इसको नोट करते जाएंगे मेरे साथ एकदम एक्यूरेट समझ में आएगा नोट नहीं करेंगे बाद में समझ में आएगा बाद में समझ में आएगा समझ चला जाएगा तो मेरे साथ अपनी कॉपी ओपन करें जो जो मैं लिख रहा हूं उसको आप लिखते जाएं और समझते जाएं चलिए शुरू कर दीजिए कॉपी कितने बच्चों ने ओपन कर दिए बोले मैं आपका चैटिंग देख रहा हूं कितने बच्चों ने ओपन कर दिए जिन बच्चों ने ओपन किए हैं वो लाइक करके दिखा दीजिए कि मैंने ओपन किया है मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने कॉपी ओपन किया कॉपी ओपन किया तो सीखेंगे जरूर तो चलिए देखें माना की रासायनिक अभिक्रिया है शून्य कोटि अभिक्रिया मैं लिख देता हूं माना की शून्य कोटि अभिक्रिया है अभिक्रिया क्या है शून्य कोटि अभिक्रिया है एक है ए अभिकारक है और अभिक्रिया करके बना लेता है प्रोडक्ट ये बन गया प्रोडक्ट उत्पाद तो इसकी प्रारंभिक समय में सांद्रता कितनी है प्रारंभिक समय प्रारंभिक समय का मतलब क्या होता है बेटा t इज इक्वल टू जीरो जीरो टाइम पर इसकी सांद्रता कितनी है हमने मान लिया a तो उस समय प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था देख लो a अभिकारक है a जो है वो a की मात्रा में है और अभिक्रिया हो, हो रही है उस टाइम हमने शुरुआत किया था तो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद नहीं बना था नोट करते जाएंगे भाई नोट करते जाएंगे तब समझ में आएगा बायोलॉजी का क्लास क्यों नहीं हुआ बायोलॉजी का क्लास हुआ कहां पर हो आप छह बजे से सात बजे के बीच क्लास हुआ है कहां हो आप चलिए फिर बात करते हैं टी अब क्या लिखते हैं टी समय पर या टी समय में टी समय में क्या हो जाएगा टी समय समय को हमने कितना लिया समय का मान कितना है टी टी का टाइम कितने पर है टी समय में टी समय में क्या होगा टी इज इक्वल टू जीरो जीरो की जगह पे कितना हो जाएगा टी हो जाएगा टी को हमने टी समय पश्चात हमने बोला तो ये है टी तब इस समय X बन गया मतलब क्या है A से X कम हो गया X मात्रा कम हो गया तो ये है हमारा अभिक्रिया के समय कितनी मात्रा में हमारे पास अभिकारक है और उत्पाद है बस कॉपी में नोट करेंगे दो तीन बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये हुआ अब चलते हैं हम इसके लिए अभिक्रिया दर समीकरण क्या लिखते हैं दर नियमानुसार अकॉर्डिंग टू रेट लॉ दर नियमानुसार अभिक्रिया की दर क्या होगी अभिक्रिया की दर को आर से प्रदर्शित करते हैं जिन बच्चों ने पहले दिन ये क्लास पढ़ा होगा उनके लिए तकलीफ हो सकता है इसलिए बोलते हैं कि पांचवा पांचवा पार्ट है फिफ्थ है, फिफ्थ पार्ट पार्ट है को बेहतर बना लो चलिए मजा आ रहा है बोले बच्चे ने यस अब क्या होगा अभिकारक तो क्या होगा बेटा के आर इज इक्वल टू के क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एक्टिव मास ऑफ ए होगा और चूंकि शून्य कोटि अभिक्रिया है तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो सांद्रता पर घात क्या लगेगा जीरो तो फिलहाल तो हमने यहां पर लिखा इस पर पावर जीरो अब जब किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर जीरो रहता है तो उसकी वैल्यू होता है वन तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्योंकि इसकी वैल्यू वन हो गई सो यह समीकरण नंबर एक हो गया दूसरी बात दूसरी बात अगर हम बलगत की नियमानुसार चलें तो क्या होगा बलगत की बलगति की नियमानुसार क्या होगा बलगति के नियमानुसार होने वाला है कि भाई आर इज इक्वल टू कितने का परिवर्तन हुआ एक्स का सो मतलब डी एक्स बाई डी टी तो ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया दोनों तरफ अभिक्रिया की दर आर है तो आर आर बराबर यानी कि आर की वैल्यू यहां पर क्या है आर की वैल्यू यहां पर डी एक्स बाई डी टी है सो समीकरण एक व दो से हमें क्या मिला आर की वैल्यू के हमको के मिला इज इसका क्या मिला डी एक्स बाई डी टी तो हमको मिल चुका है डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी मिल गया अब यहां पर ध्यान रखिएगा बस नोट करते जाइए बेटा कुछ नहीं करना कॉपी में तुम लोग चैटिंग में मत लगो बेटा पढ़ाई करना पढ़ाई करने वाला बेटा चै, चै, चैटिंग नहीं करते हैं क्योंकि जब पढ़ाई वही चैटिंग वही करता है जिसके पास टाइम होता है जबरदस्ती चैटिंग मत करो पढ़ाई कर लो आज बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए फिलहाल यह हो गया इक्वेशन नंबर थ्री हो गया इक्वेशन नंबर थ्री होगा अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है मैं इसको इक्वेशन नंबर थ्री में ना लेकर मैं इसका समाकलन कर देता हूं चलिए तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कर दिया समाकलन करना कर दिया करने पर ऐसा करूंगा तो फंक्शन dx एक्स इज इक्वल टू के फंक्शन डी टी तो इसका वैल्यू क्या आया एक्स इसका क्या हुआ के टी प्लस एक कांस्टेंट आता है समाकलन यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो है सी इक्वेशन नंबर ये थ्री हो गया आप नोट करिए ना इक्वेशन नंबर थ्री अच्छा अब ये बात होता है कि कई जगह पर बुक्स में डायरेक्ट ये लिखा हुआ मिलता है आपको कौन सी चीज मिलती है यहां पर ये वाला लिखा हुआ मिलता है ठीक है तो ये क्यों आ गया ये पता नहीं होता है। तो मैंने आपको यहां पर आपको बता दिया कि कैसे आया दो समीकरण दो नियमों के आधार पर आया ठीक है ये जो है टी समय के लिए समीकरण है अगर हम दो स, दो टाइम के लिए अगर कंपेयर करें तो शून्य टाइम पे क्या होगा क्या बोलते हैं प्रारंभिक समय में क्या होगा प्रारंभिक समय में प्रारंभिक समय मतलब क्या हुआ टी का मान कब है जीरो है देखो प्रारंभिक समय में इनिशियल टाइम पे क्या होगा इनिशियल टाइम पर टी की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू कितनी है जीरो तो एक्स की वैल्यू भी जीरो है इस दोनों वैल्यू को अब इन दोनों वैल्यू को समीकरण तीन में रख देते हैं समीकरण तीन में मान रखने पर मान रखने पर अगर आपने समीकरण तीन में मान रख दिया क्या मान रख दिया x की वैल्यू रख दिए जीरो के T की वैल्यू कितनी है जीरो प्लस सी आपको सी की वैल्यू मिल गई के इंटू के इंटू जीरो यानी जीरो यानी कि सी की वैल्यू आपको मिल चुका है जीरो सी की वैल्यू जीरो मिल गया है और इस सी की वैल्यू को इसमें रख दीजिए समीकरण तीन में तो लिख सकते हैं समीकरण तीन में कॉपी में लिखें समीकरण तीन में c का मान रखने पर c का मान रखने पर हमने सी का मान रख दिया तीन में सी का मान कितना है जीरो तो हमारे पास हो गया एक्स इज इक्वल टू के टी तो इसका मतलब है K के लिए क्या मिला के इज इक्वल टू एक्स बाई टी हमको कुछ स्पेशल चीज मिला है नोट जरूर करेंगे बेटा है ना बस मोबाइल को सामने रख दो और नोट कर लो बस कुछ नहीं करना है दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे इसका यूज करेंगे इसके न्यूमेरिकल करेंगे आज बहुत कुछ करने वाले हैं तो इतना आप नोट कर लो तो हमें मिल गया के इज इक्वल टू एक्स बाई टी इज इक्वल टू एक्स बाई टी का मतलब क्या है मैं अभी बताता हूं जस्ट नोट कर लीजिएगा के इज इक्व टू एक्स बाई टी का मतलब क्या है ये बताता हूं आपको चलिए हो गया अब चलते हैं आगे तो इसके लिए हम जाएंगे इस तरफ हो गया मैं आगे बढ़ूं स्क्रीनशॉट ले लिए सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से हां जी या थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लो आप लोग नहीं लिख पाए हो तो हाँ जी जल्दी करिए हो गया स्क्रीनशॉट हो गया सबका आगे बढूं स्क्रीनशॉट ले लिए जी बोलिए हां जी हां जी आपने ले लिया तो हमको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए शून्य अभिक्रिया के लिए हमारे पास होगा के इज इक्व टू एक्स बायटी याद रखना है आपको के इज इक्वल टू एक्स बाई टी याद रखना है ये वाला फॉर्मूला याद रखना है ठीक अब इसके बाद आपको एक चीज बताना चाहूंगा अर्ध काल एक शब्द होता अर्ध काल हाफ लाइफ पीरियड वो क्या है बात करूंगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आप याद रखेंगे क्या चीज k इज इक्वल टू एक्स बाई टी ये फॉर्मूला याद रखना यही फॉर्मूला है समाकलन स्थिरांक के लिए क्या होता है व्यंजक है ना समाकलन व्यंजक ठीक है तो यहां पर के दर स्थरांग व्यंजक कहलाता है दर स्थरांग समाकलन व्यंजक भी कहलाता है तो यहां पर सीधी सी बात है कि दर स्थराक व्यंजक है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए K X T. दिमाग में बैठा लो बस कुछ नहीं करना है फिर एक चीज और पढ़ाने वाला हूं यहां पे वो है हाफ खाना दिया एक पाव एक पाव खाना को आप जब खाते हो तो उसमें से खाते खाते आधा पाव बच गया एक पाव यानी दो ग्राम खाने को खाते खाते वो बच गया आधा जितना टाइम लगा आधा होने में जितना टाइम लगा उसको कहा जाएगा आपके खाना खाने की स्पीड का अर्ध आयुकाल आधा समय यानी जब कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के समय अभिकारकों की जो सांद्रता होती है आधी अभिकृत हो जाती है या आधी बची रहती है मतलब एक ही हुआ ना एक गिलास पानी है उसको पी रहे हो तो आधा आधा हो गया है तो या तो बोल सकते आधा पी गए हैं या बोल सकते आधा बचा हुआ है ऐसा दोनों में से बोल सकते हैं तो यहां पर हुआ क्या यही बात बोला गया है अर्धायु काल अर्ध आयु काल को हम लोग दर्शाएंगे टी हाफ लिख करके तो होगा वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है वह समय समय को ही तो काल कहेंगे समय को ही तो पीरियड कहेंगे बोलो तो आधा समय क्या है वह समय यहां पर आधा समय नहीं हो सकता ना समय तो समय होगा तो भाई इतना समय कि अभिकारक की आधी अभिक्रिया

Yes, इसका मतलब क्या है यह थोड़ी सी बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं आपने ए लिया ए मतलब होता है अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा अभिकारक अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा एक्स क्या है अभिकृत मात्रा तो a- माइनस एक्स क्या हुआ अब जितनी मात्रा पहले थी उसमें से x निकल गया मतलब क्या हुआ शेष मात्रा अभिकारक की शेष मात्रा की शेष मात्रा तो इस तरह से यह हुआ t मतलब क्या हुआ समय और कुछ नहीं k मतलब दर स्थरांक रेट कांस्टेंट तो हमने ये सारी चीजें अभी देखे थे इनको आपको नोट कर लेना इसको बेटा एक स्क्रीन इसका भी ले लो इसका भी एक स्क्रीन ले लो यस चलिए अब आगे बात करूंगा ठीक बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना आगे बहुत कुछ पढ़ना है अभी ठीक तो चलते हैं यहां पे तो ये हो गया अब अगले स्टेप में चलते हैं तो इसके हिसाब से हमने समय को इस प्रकार इस प्रकार समय कितना समय को हमने टाइम को समय को आधा लिया आधा समय उतना समय लिए मतलब क्या बोले समय को हमने टी हाफ से दर्शाएंगे प्रारंभिक सांद्रता कितनी है ए है प्रारंभिक सांद्रता कितनी है प्रारंभिक सांद्रता कितनी, कितनी है हमारे पास वो है ए लेकिन अभिकृत मात्रा अभिकृत मात्रा कितनी है अभिकृत मात्रा अभिकृत मात्रा का मतलब क्या हुआ अभिकृत मात्रा का मतलब हुआ कि जितनी मात्रा अभिक्रिया में भाग ले चुका है तो वो होता है x तो अब शेष मात्रा कितनी है शेष मात्रा कितनी है a- माइनस एक्स अब यहां पर समझने वाली बात है कि शेष मात्रा कितनी बची होगी a बाई टू के बराबर क्योंकि पहले का आधा बचा होगा या यूं कह सकते हैं अभिकृत मात्रा x जो है वो कितने बराबर होगी ए बाई टू के बराबर होगी प्रारंभिक मात्रा के बराबर होगी बात समझने वाली है अगर छोटी छोटी बात समझ रहे हैं तो, तो मैंने कहा कि जितनी मात्रा में आपने पदार्थ लिया था उसमें से आधा बचा हुआ है बचा हुआ मात्रा शेष मात्रा तो कितने के पहले के तो एक बाई टू या यूं कह सकते हैं इतनी मात्रा जो अभिकृत हो चुके तो पहले का आधा बचा हुआ है आधे अभिक्रिया हुई यानी जितनी अभिक्रिया बच लिए थे उसका आधा ही अभिकृत हुआ है तो ए बाई टू ही होगा तो जैसा चाहे आप लिख सकते हैं तो हमारे पास क्या है यहां पर समझेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या है शून्य शून्य कोटि अभिक्रिया व्यंजक क्या है बेटा व्यंजक व्यंजक क्या है ये अभी पढ़े थे k इज इक्वल टू एक्स बाई टी और आपने x की वैल्यू कितना देखे a बाई टू तो k इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है a बाई टू इंटू टी की वैल्यू को क्या माने थे क्या लिखे थे आपने t हाफ इस तरह से t हाफ तो अब आपको मिल चुका है t हाफ इज इक्वल टू ए बाई टू के ये होता है ये होता है फॉर्मूला ये का क्या कह रहा? रहा है इस पे ध्यान दीजिएगा ये कह रहा है कि अर्धायु काल जो है टी हाफ अर्धायु काल है अर्ध आयु काल जिसको टी हाफ से दर्शा रहे हो ये क्या कह रहा है ये टी हाफ कह रहा है हाफ हमने ये जानते दो एक कांस्टेंट है और के भी एक कांस्टेंट है दो भी एक स्थिर अंक है निश्चित अंक है और के भी एक निश्चित अंक है तो निश्चित अंक को बराबर के साथ जोड़ो मिला दोगे तो समानुपातिक चिन्ह बनता है ए मतलब ये कह रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल आयुकाल अर्धायुकाल अभिकारकों की अभिकारकों की सांद्रता या मात्रा के समानुपाती होता है ये बातें हैं इसको आप नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लाइन आज मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको एक बार दो बार कोशिश करोगे इस वीडियो को दो बार तीन बार भी देख सकते हो और उसको करने के बाद एकदम पक्का आप याद रखिए एग्जाम में आप लिख पाओगे ठीक है बिल्कुल लाइक जरूर किया करो बेटा इससे बहुत फायदे होते हैं हमको भी और आपको भी तो यहां पर मैंने अलग अलग तरह से लिख दिए हैं दो तीन बातें आप इसको नोट कर लीजिए ठीक है एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके पास पीडीएफ आ गया पीडीएफ पीडीएफ बोलते हो ना बार बार हो गया क्लियर सर ओके श्रेया सिंह ने कहा है रिंकी कुमार अमित सुभाष गीता सिंह तो आप जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए हो गया अब बाद में नोट करते रहना अब प्रथम कोटीय अभिक्रिया क्या है यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको जब तक नोट कर लो अपनी कॉपी में जल्दी से बात समझ में आई बेटा आपने क्या लिखा आपने क्या लिखा वो समझ में आई जी सारे बोर्ड में है यूपी बोर्ड में बिहार बोर्ड में हम तो यूपी बिहार राजस्थान छत्तीसगढ़ एमपी झारखंड और उत्तराखंड सबको टारगेट लेके पढ़ाते हैं और सबके कोर्स में यही चीज है तो याद रखो कोई भी बच्चा जो यूपी का है कोई भी बच्चा जो बिहार का है बिल्कुल अछूता ना रहे बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं हूं जब तक आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए इतने सालों से मैंने पढ़ाया बच्चों को इतने सालों से सक्सेस हुए हैं आप भी सक्सेस होंगे और आप भी जबरदस्त सक्सेस होंगे यस तैयार रहिए बस मेरे साथ ये पांचवा वीडियो है पांचवा पहला दूसरा तीसरा चौथा देख चुके हो ये पांचवा वीडियो पांचवा वीडियो में बिल्कुल ध्यान से आप देखिए रेगुलर रहिए चलिए साहब प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है वह अभिक्रिया जो अभिकारक की इकाई सांद्रता पर निर्भर करती है एक अभिकारक की सांद्रता पर एक सांद्रता मतलब एक यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है यह इसका मतलब क्या हुआ देखें मतलब एन की वैल्यू कितनी आएगी वन आएगी है ना मतलब घातांक कितना आएगा अभिकारक का एक आएगा सो so, आप मान लेते हैं एक अभिक्रिया है थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि वहां पर जगह नहीं बचेगा एक अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक है और वो बना लेता है एक प्रोडक्ट यानी उत्पाद बना लेता है ठीक है मैं इस चीज को बोर्ड में लेके पढ़ा देता हूं ताकि वो वहां पर अपने पास थोड़ा जगह बड़ा बन जाएगा चलेगा नहीं यहीं पे कर लेते हैं फिर जगह कम होगा तो दूसरी जगह कर लेंगे ठीक है तो प्रारंभिक समय क्या होगा बेटा प्रारंभिक मैं थोड़ा सा बड़ा चाहता हूं चलिए यहां पर लिखते हैं यहां पर काम करते हैं ठीक यहां पर काम करते हैं तो क्या लिखेंगे अभिक्रिया कौन सा देख रहे हैं हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला प्रथम कोटि अभिक्रिया तो क्या करेंगे देखो तो अभिक्रिया है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है एक अभिकारक है ए अभिक्रिया करके बनाया प्रोडक्ट उत्पाद बनाता है क्या बनाता है प्रोडक्ट बनाता है प्रोडक्ट उत्पाद बनाता है तो प्रारंभिक समय में क्या होगा प्रारंभिक समय में प्रारंभिक समय में यानी कि t इज इक्वल टू जीरो तो आपका a की वैल्यू हमने प्रारंभिक समय में a को यानी कि अभिकारक को मैंने a लिया स्मॉल a, यानी इतनी मात्रा में a की मात्रा में है तो इस जगह पर यह बिल्कुल नहीं बना होगा आप नोट बस करते जाना बेटा इधर उधर की बात नहीं करेंगे देव ऑनलाइन दुनिया भर की बातें ध्यान रखिएगा बेटा जी हाँ जी ध्यान रखिएगा आपने देव भाई आपको पूरी हदर चैप्टर सारे चैप्टर की सारी वीडियो अवेलेबल करा दिया गया है आप निश्चिंत रहें क्योंकि इस तरह की बातें वही बच्चा बोलता है जो हमारे चैनल को कभी देखा ना हो तो आप देखिए जरूर ठीक है तो क्या हुआ प्रारंभिक समय में ये बिल्कुल नहीं बना है तो ए हमारे पास पूरा का पूरा है तो अब टी समय पश्चात क्या लिखूंगा बेटा बोलो टी समय समय पश्चात आज बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है आप इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि मैं सोच रहा था कि इस चीज में आप इंटरेस्ट नहीं लेने वाले हैं लेकिन यह बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा तो यह बचेगा ये, ये एक्स मात्रा निकला मतलब हमारे में से ए में से एक्स कम हो गया बोलो ये हुआ अब चूंकि प्रथम कोटी अभिक्रिया है मतलब अभिकारक की सांद्रता यानी जो घात है यानी पावर है वो वन होगा सो क्या लिखने वाला हूं तो देखो यहां पर दर नियमानुसार दर नियमानुसार क्या होगा दर नियमानुसार होगा अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक ए तो इसका पावर कितना है वन ठीक तो इसका पावर है वन वन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ना तो आर इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए ए का सांद्रता कितना है कॉन्सेंट्रेशन कितना ए माइनस एक्स हमने वैल्यू रख दिया इसमें ए माइनस एक्स हो गया समीकरण नंबर एक देखो कितना आसान है फिर बातें होती है जिन बच्चों को एडवांस चलना रहता है ना जो अपलोड वीडियो उसमें सब पढ़ाया गया है उसको आप जरूर जाके देख लीजिए एक बार फिर उसके बाद जब इस क्लास में आते हो तो और जबरदस्त बन जाते हो हमेशा पावर तब बढ़ता है जब वो ताकत बनाने के लिए हमने उतनी मेहनत किया हो तो चलिए ये नोट कर लीजिए फिर क्या लिखोगे अब कौन सा नियम लागू करूंगा बलगति की बलगति की नियमानुसार बल गति की नियमानुसार अभिक्रिया की दर क्या होगी परिवर्तन कितने का एक्स का तो डी एक्स बाई डी टी इक्वेशन नंबर टू अब दोनों समीकरणों में आर बराबर है तो ये दोनों बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक व दो से समीकरण एक व दो से एक में क्या है के ए माइनस एक्स इज इक्वल टू दूसरा है क्या है आर डी एक्स बाई डी टी डीएक्स बाई डी टी हो गया अब हमारे पास क्या हो जाएगा देखें तो जरा हमारे पास हो गया डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिर गुणा तो क्या हुआ डी एक्स बाई ए माइनस एक्स ऐसे चला गया और फिर ये के, के साथ हो गया के डी टी हो गया क्लियर है तो ये इनके साथ गुणा हो गया ऊपर आ गया तो ये के डी टी हो गया और इनके साथ हो गया तो क्या हुआ ये इधर आ गया तो कितना हुआ एक्स बाई डी एक्स हो गया ना अब चलते हैं इनका हम समाकलन करते हैं समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा करने पर कितना होगा फंक्शन डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा के डी टी कॉन्स्टेंट का कभी भी समाकलन नहीं होता है तो ये हुआ वेरिएबल का होता है तो क्या हुआ ये बचेगा हमारे पास लॉग ई बेस ठीक है कितना होगा वन बाय ए माइनस एक्स इज इक्वल टू यहां पर हो गया के टी प्लस एक constant आता है जिसको यहां पर सी से हमने डिनोट किया है इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया भैया तीसरा हो गया थर्ड हो गया ठीक है अब यह जो बना हुआ है इसको मैं एक और काम कर देता हूं यहीं पे कि भाई वन बाई ए माइनस एक्स लिखे हो इसको अगर मैं वन ए माइनस एक्स को मैं ऊपर कर दूं तो क्या हो जाएगा आप जानते हो ना ये चीजें लॉग वन बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग कितना हो जाएगा एक्स ये होता है कि नहीं होता है ना तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी ये इसको कह दूं इक्वेशन नंबर थ्री ये बन गया इक्वेशन नंबर थ्री समीकरण तीन बन गया है बेटा समीकरण तीन बन गया इसको नोट कर लीजिएगा हो गया सर वेरी गुड दीपू सिंह यस वेरी गुड बहुत बढ़िया चलिए अब चलते हैं आगे अब हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया तो यह है टी समय के लिए समीकरण बना हुआ है अब जीरो के साथ यानी प्रारंभिक समय के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या होगा प्रारंभिक समय में प्रारंभिक समय में। में प्रारंभिक समय में टी इज इक्वल टू जीरो वैल्यू उस टाइम जीरो है देख लो जब समय जीरो है तो उस टाइम एक्स भी जीरो है सो इसमें वैल्यू रख दो तो क्या होगा क्या करेंगे मान रखने पर मान रखने पर मान रखें तो क्या होगा बोलो तो माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स तो हम क्या कर रहे हैं एक्स की वैल्यू रखने वाले तो एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो एक्स की वैल्यू है जीरो इज़ इक्वल टू कितना होगा के इन टू टी की वैल्यू कितनी है जीरो प्लस सी हमें सी की वैल्यू मिलने वाली है देख लीजिएगा तो ये मिला हमें बेस e जीरो सी हमें सी का मान मिल चुका है सी का मान रखते हैं चलिए सी का मान समीकरण तीन में रखने पर समीकरण तीन में, में सी का मान रखने पर का मान रखने पर क्या लिखेंगे भैया बोलो तो जरा यहां पर होगा माइनस लॉग ई बेस a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी के टी के टी पर एक बात है सी का मान हमें मिला है माइनस माइनस लॉग ई बेस ए ये मिला इसको मैं इधर कर दू पक्षांतर कर दू तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो हो गया लॉग ई बेस ए माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी हो गया अब आप क्या जानते हो आप ये जानते हो कि लॉग लॉग क्या होगा एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू क्या होता है इज इक्वल टू क्या होता है बताइए इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स बाई y तो इस समीकरण के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा log e बेस ये देखो ये माइनस में इनके बीच तो ये तो log e log y e है कॉमन हो गया इसमें a बाई ए माइनस एक्स हो जाएगा हो गया ना a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी चलिए भाई अब आप बता सकते हो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t इधर आ गया तो वन बाई टी लॉग ई बेस ए बाई ए माइनस एक्स हमारे पास ये फॉर्मूला आया हुआ है इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे ले जाएंगे अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप जल्दी से जी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि लिखने में आपको हड़बड़ी ना हो मेरे साथ लिखा करो सबसे अच्छा तरीका है मेरे साथ लिखा करो इसीलिए मैंने एक स्क्रोल चला दिया नीचे लिखते हुए आता होगा आपके पास है ना यहां पर लिखते हुए आता होगा कहां पे आता है यहीं पे यहीं पर यहीं पर यहीं यहीं पे आता है लिखा हुआ यहीं पे आता है लिखा हुआ क्या आता है यहां पे आता है कि इसे अपनी कॉपी में लिखोगे तभी समझोगे इसे अपनी कॉपी में लिखोगे तभी समझोगे ये सब आता है ना लिखा हुआ इसीलिए आता है चलिए सारे बिहारी भाइयों सारे यूपी वाले भाइयों खुश रहो और अच्छे से बनाओ अच्छे से लिखो ये सब बनाने आपको आना चाहिए मैं बोल रहा हूं आपको अच्छे से केमिस्ट्री सिखाने वाला हूं और सारे सब्जेक्ट आपके लिए लाने वाला हूं आप सब तैयार रहिएगा एक दिन लॉन्चिंग करूंगा सारे टीचर के साथ बस मेरे साथ आप बने रहो ठीक है आप सबकी तरक्की हमारे लिए बहुत जरूरी है ना अभी लॉकडाउन है सिचुएशन खराब है तो पढ़ाई आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो बहुत अच्छे से कर सकते हो और साथ में हमारे पास लाइव क्लासेस हम जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस का जो हम क्लास देते हैं उसमें भी आप इनरोल करिए हमारे नंबर पे कॉल करिए आप चलो ठीक है आगे चलते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा इजी बनाता हूं क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में K is to one by T log e base. थोड़ा सा मैं इधर करता हूं आप ध्यान से देखिए चलिए अब क्या कर सकते हैं देखें हम ये जानते हैं ये हमारे पास फॉर्मूला है मैं दोबारा लिख देता हूं के इज इक्वल टू वन बाई टी लॉग ई बेस ए बाई ए माइनस एक्स ये है ना अब आपको यह बता दूं लॉग का बेस जो है वो ई है अगर लॉग के बेस को लॉग के बेस को अगर हम टेन में चेंज कर दें लॉग ई बेस एक्स है लॉग टेन बेस एक्स है तो इसको अगर हम टेन बेस में करना चाहते हैं तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से हमें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो so, इस जगह पे क्या होगा ई बेस को टेन बेस करता हूं तो क्या हो गया के इज इक्वल टू यह हो जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी लॉग टेन बेस ए बाई ए माइनस एक्स फिलहाल सबको यह पता है कि ए का मतलब क्या है एक्स का मतलब क्या है टी का मतलब क्या है के का मतलब क्या है फिलहाल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहली बार में वीडियो में मैंने आपको बता दिया था जिन्होंने शुरुआत से शुरू किए थे ठीक है सो यह वैल्यू होता है अब इसका भी अर्धायु काल के बारे में बात करने वाले हैं फिलहाल इस फॉर्मूले को याद कर लें आपने दो फॉर्मूले कर लिए हैं क्या क्या फॉर्मूले कर लिए हो देखो तो शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या किया आपको याद होगा शून्य कोटि अभिक्रिया में आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा क्या होगा के इज इक्व टू एक्स बाई टी और हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या याद किए हो ए बाई टू के दो फॉर्मूले आपने करा है अब हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात कर दूं प्रथम कोटि अभिक्रिया में हमारे पास हो गया के इज इक्व टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी बेस ए बाई ए माइनस एक्स इस तरह के फॉर्मूले आ रहे हैं लेकिन इसके अर्धायु काल के लिए फॉर्मुले बनेंगे अभी बनाया नहीं हूं अभी थोड़ी देर पर बनाऊंगा मैं उस जगह पर थोड़ा सा वेट करिए तो टी हाफ इज इक्व होगा के इसको अभी डेराइव करने वाला हूं अभी बताऊंगा आपको ठीक है अभी बताने वाला हूं ध्यान दीजिएगा हल्का फुल्का पढ़ाइए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आशीष कुमार ध्यान दीजिए बेटा जी आशीष कुमार ओके अब बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा सबसे पहली बात है अर्धायु क्या बोलते हैं अर्धायु काल हाफ लाइफ पीरियड अर्ध आयु काल किसके लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का प्रथम कोटि अभिक्रिया का अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटी अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होगा देखें सबसे पहली बात है प्रथम कोटी हां यहां पर बात याद रखिएगा कि प्रथम कोटी अभिक्रिया फॉर्मूला क्या है प्रथम कोटी अभिक्रिया का दर स्थिरांक व्यंजक क्या है दर स्थिरांक व्यंजक क्या है बोलो आपको याद हो गया ना K इज इक्वल्स टू 2.303 by t log 10 base a by a बेस x बाई ए माइनस ये सबने नोट कर लिया सबने बना लिए थे अब हम ये समझते हैं अर्ध आयु काल अर्ध आयु काल में क्या होगा समय जो है t हाफ से दर्शाएंगे और जो a माइनस एक्स की वैल्यू यानी कि शेष मात्रा जो बची हुई है वो प्रारंभिक मात्रा का आधा होगा सो so, फॉर्मूला क्या हो गया बेटा मान रख दो इसमें तो क्या हुआ मान रखने पर मान रखेंगे तो क्या होगा के वैल्यू तो हो गई के टी हाफ तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी हाफ लॉग टेन बेस ए की वैल्यू और ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी ए बाई टू तो ए कट गया तो क्या हुआ के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी हाफ अब यहां पर क्या हुआ लॉग टेन बेस और यहां पर क्या बच जाएगा आपके पास ए ए कट गया टू ऊपर चला गया तो टू तो इसकी वैल्यू जो होती है आप सबको पता होगा log 2 की वैल्यू कितना होता है बेस में कोई बता सकता है आप में से बोलो नहीं चलो बता सकते हो एक बच्चे ने बता भी दिया होगा शायद यस yes, बहुत बढ़िया तो इसकी वैल्यू होता है पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो हम वैल्यू पुट कर दें तो के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन टू पॉइंट थ्री जीरो वन जीरोड बाई टी हाफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो क्या मिलेगा के इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई टी हाफ या कह सकता हूं मैं यहां पर टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई के वैसे इसका भी एक थियोरिटिकल महत्व है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं हाँ जी जी विनीत कुमार ने जवाब दिया है सागर क्या शेरू सिंह वर्तिका ओके तो चलिए ये आपने नोट कर लो ऐसे ही आपको नोट करना है तो ये इसमें मैंने जो वहां पर जो आपको थ्योरी बताया था ना अर्धायु काल का सेम थ्योरी होगा भाई उसका जो थ्योरी होगा अर्धायु काल का वो सेम होगा क्या जो यहां पर जो परिभाषा लिखाया था ना कि वह समय जब अभिकारक की आधी मात्रा अभिकृत हो जाती है या मात्रा जो बची हुई है प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है जैसा आप चाहो वैसा आप बोल सकते हो तो तीन तरीका बताया था मैंने बोलने का इसके बाद ये न्यूमेरिकल करने वाले हैं और ये वाली चीज हो गई तो हमने एक्चुअली चार फॉर्मूले हमारे पास है वो कौन सा है एक है जीरो ऑर्डर का वो क्या है और एक फर्स्ट ऑर्डर का जीरो ऑर्डर का क्या है के इज इक्वल टू एक्स बाई टी और आपने देखा टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा ए बाई टू के यहां पर आपने क्या देखा के इज इक्वल टू टू ऑर्डर ये देखो कोटी को एन से दर्शाते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो इसमें क्या होगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी बेस ए बाई ए माइनस एक्स सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा और टी हाफ इज इक टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई के वैसे इसका क्या महत्व है देखें पॉइंट सिक्स नाइन थ्री एक कांस्टेंट है और के भी एक कांस्टेंट है इसका अर्थ क्या निकला इसका अर्थ ये निकला चलिए देखते हैं तो इसका अर्थ क्या निकला इसके लिए आप क्या कर देंगे इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूं आपको देखिए आपने टी हाफ टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाइक के लिखा है तो ध्यान रखो इसका मतलब हुआ ये वैल्यू कांस्टेंट है ऊपर वाला पे वैल्यू कांस्टेंट है मतलब पी हाप एक स्थिरांक है कांस्टेंट है मतलब कह सकते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अर्धायु काल एक स्थिरांक होता है ंक यानी निश्चित अंक होता है निश्चित होता है समझ रहे हैं? ये खास बात है इसकी यही खास बात है इसकी ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा इसका मतलब यह हुआ कुछ ऐसे समझोगे मेरे पास 100 ग्राम एक पदार्थ है ए है ए कोई पदार्थ अभिकारक है इसको आधा होने में मान लेते हैं 10 मिनट लगता है होने में आधा मतलब पचास ग्राम होने में इसको कितना मिनट लगता है दस मिनट लगता है तो अब मुझे बताओ इसको मुझे बताओ कि अगले दस मिनट में कितनी मात्रा बचेगी चलो बताओ दस मिनट में ये पचास ग्राम बचता है तो अगले दस मिनट में कितने ग्राम बचेगी बताइए कोशिश करने से कुछ नहीं होता बता सकते हो आप लोग चलो हाँ जी बताओ जल्दी बेटा हाँ जी क्या बोलेंगे क्या हुआ है हमने कहा टी हाफ ये क्या चीज है अर्धायु काल अर्धायु काल टी हाफ इज इक्वल्स टू कितना है? हमने यहां पर एक एग्जाम्पल मान लिया कि टी हाफ की वैल्यू कितनी है टेन मिनट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो इसका आधा होने में दस मिनट लगा तो इसके आधा होने में बेटा देखो ध्यान रखना ये पूरी तरह खत्म नहीं होने वाला है ये अगले दस मिनट में इसका भी आधा होगा यानी कि पच्चीस ग्राम बचेगा फिर वो दस मिनट में कितना होगा फिर से दस मिनट में फिर से ये कितना होगा कितना बचेगा बारह दशमलव पांच तो हर दस मिनट में उसका आधा 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 होते जाएगा बहुत लंबा टाइम लगेगा पूरी तरह खत्म होने में अनंत समय लगेगा याद रखना सोचने में आसान लगता है कि 10 मिनट में आधा हो गया 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा था लेकिन नहीं उसका आधा हुआ फिर 10 मिनट में उसका आधा हुआ कई बार वो आधा आधा होते 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 मॉलिकुलर लेवल तक पहुंच जाएगा मतलब वो खत्म होने में अनंत समय लगने वाला है बात समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को और बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिया है बहुत बढ़िया और अगले आधा इसके लिए फिर आधा हो जाएगा ऐसे करते करते बहुत छोटा होने लगेगा ठीक है तो चलिए मतलब उसका आधा होगा दस मिनट फिर उसका आधा होगा दस मिनट में फिर उसका आधा होगा दस मिनट में कर आधा करते जाओ करते जाओ टू से डिवाइड करते जाओ वैल्यू ठीक है बात समझ में आ गई होगी अब चलते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास है प्रथम कोटी अभिक्रिया पचास मिनट में नब्बे परसेंट पूर्ण हो जाती है अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करिए एक न्यूमेरिकल भी बता देता हूं आपको लगे हाथ तो चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं टाइम बर्बाद करने से अच्छा है पढ़ाई करते हैं है ना इधर उधर की बात करने से अच्छा है, पढ़ाई करते हैं बकवास करने से अच्छा है पढ़ाई करते हैं सो हमारी क्लास आपके लिए एक बढ़िया डेडिकेटेड चैनल है जो आपकी पढ़ाई को अच्छा बनाए तो इसको पढ़ लीजिए बिल्कुल चलिए मैं बता रहा हूं आपको प्रथम कोटी अभिक्रिया पचास मिनट में नब्बे पूर्ण हो जाती है चलिए तो क्या दिया है एक बात और चलो ये बता देता हूं आप सब याद रखेंगे लॉग वैल्यू के लिए लॉग टू लॉग थ्री लॉग फोर लॉग फाइव लाइक लॉग सिक्स लॉग टेन के बेस पर है सभी ध्यान रखिएगा टेन के बेस पर है तो ये लॉग की वैल्यू जो है दो तीन चार पाँच छः। अगर इतना अगर आप याद कर लेते हो तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा लॉग टू की वैल्यू है पॉइंट थ्री जीरो थ्री चाहो तो इसको पॉइंट थ्री से याद रख सकते हो लॉक थ्री की वैल्यू जो है जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन यानी कि पॉइंट फाइव करके याद रख सकते हो लॉक फोर की वैल्यू पॉइंट सिक्स तो इसको पॉइंट सिक्स से याद कर सकते हो लॉक फाइव की वैल्यू पॉइंट सिक्स नाइन यानी कि पॉइंट सेवन याद रख सकते हो और इसकी वैल्यू पॉइंट एट मुझे लगता है कि तीन पांच छ सात आठ याद रखा जा सकता है बड़ी आसानी से बोलो लॉक की वैल्यू आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे और क्वेश्चन में अगर ना दिया हो लॉग की वैल्यू तो परेशानी पड़ जाओगे तो लॉग टू थ्री फोर फाइव सिक्स की वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी सो उसके लिए आप याद रख लीजिएगा लॉग टेबल कैसे ओपन करते हैं लॉग टेबल कैसे देखते हैं लॉग से वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो प्री बेसिक केमिस्ट्री वाला जो मेरा प्ले है उसमें मैंने दी है अगर चाहो तो उसको जाके देख सकते हो बहुत सरलता से समझाया गया बहुत अच्छे समझाया गया है ठीक है हा जी एग्जाम के बारे में बच्चा पूछ रहा है तो मैं कहूंगा बेटा एग्जाम हो ना हो लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए और यूपी वाले जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ यूपी वालों का या जहां जहां पे एग्जाम नहीं हुआ है आप एक काम करें बिल्कुल तैयारी में रहें और तैयारी करते जाएं मैं आपके लिए तैयारी करा रहा हूं ध्यान दीजिएगा ऐसा एक क्वेश्चन आया तो कैसे बनाएंगे एग्जाम में एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया पचास मिनट में नब्बे परसेंट पूर्ण हो जाती है कोई बताएगा इसमें क्या बोला गया है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया गिवन क्या है दिया क्या गया है दिया गया है प्रथम कोटि अभिक्रिया दिया सीधी सी बात है पहले बात तो कहा गया प्रथम कोटि अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में बोल रहा है तो इसका फॉर्मूला हमको तो क्लियर हो गया कौन सा फॉर्मूला होगा अभी थोड़ी देर में बात करेंगे टाइम पचास मिनट में नब्बे परसेंट पूर्ण होती है टाइम समय दिया गया है 50 मिनट 90 परसेंट पूर्ण होती पूर्ण होती उस माइंड वैल्यू को किससे दर्शाए थे हम लोग एक्स से तो ये 90. तो प्रारंभिक वैल्यू परसेंट क्या है सौ में नब्बे हुआ ना पूरा तो ए की वैल्यू कितनी है हंड्रेड हंड्रेड में नब्बे पूरा हो गया तो ए माइनस एक्स कितना हंड्रेड माइनस नब्बे मतलब क्या हुआ हंड्रेड माइनस नाइन टू टेन टेन हो गया पूर्ण हो जाती है अब टी मिल गया ए माइनस एक्स मिल गया ए मिल गया ठीक है इस अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात करना है उसने बोला है कैलकुलेट करना है फाइंड क्या करना है ज्ञात करना है आपको ज्ञात करना है टी हाफ हाँ आपको कैलकुलेट करना है बेटा आप फॉर्मूले की तरफ चलो फॉर्मूला क्या है प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या होता है तो फॉर्मूला तो है तो पहले तो टी हाफ के लिए फॉर्मूला होता है क्या पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई के प्रॉब्लम है कि के नहीं दिया है कहीं भी तो के कैलकुलेट करना पड़ेगा तो फॉर्मूला नंबर वन ये हो गया फॉर्मूला नंबर टू क्या कहता है फॉर्मूला नंबर टू यहां पर होगा कि के के लिए फॉर्मूला क्या होगा के के लिए है 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी लॉग टेन बेस ए बाई ए माइनस एक्स चलिए इस फॉर्मूले में मान रखते हैं सूत्र दो में मान रखने पर में मान रखने पर हमने सूत्र दो में मान रखते हैं चलो मान रखो बेटा के का मान के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री की वैल्यू कितनी टी की वैल्यू कितनी 50 मिनट 50. लॉग 10 बेस तो अच्छा ए की वैल्यू कितना ए की वैल्यू 100. और ए माइनस एक्स की वैल्यू कितना 10. तो यहां होगा 100 बाई टेन हंड्रेड बाई टेन मतलब कितना बचा 10. तो आपको पता होना चाहिए और कैसे निकालते है? मैंने कहा ना इसको सीखना है लॉग वैल्यू सीखना है तो आप प्री बेसिक केमिस्ट्री वाला वीडियो देखो उसमें उस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा बेटा विक्रम सर ने सब कुछ दे दिए हैं ढूंढना आपको है ये तो बता दूं भाई आप मुझे कुछ और पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरा का पूरा चैनल में है आप खोल के नहीं देखते इसलिए हमको लाइव आना पड़ता है ताकि आपको बता सकें हां जी ये ध्यान रखिएगा तो चलिए तो क्या है लॉक टेन की वैल्यू कितनी होती है वन सो यहां पर हो गया के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई फिफ्टी और इसकी पूरी की वैल्यू हो गई वन तो ये हो गया हमारा के के वैल्यू अब समीकरण एक में मान रखने पर समीकरण एक में के का मान रख सकते हैं एक में तो क्या होगा टी हाफ इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई के के वैल्यू क्या है ये तो कितना होगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाई फिफ्टी तो मैं ऊपर आ जाएगा फिफ्टी सो so, इनको कैलकुलेट करो आप तो कितना मिलेगा बताओ तो इसका वैल्यू मिलेगा 15 मिनट 15 मिनट के आसपास मिलेगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा मिनट ये है इसका आंसर तो इसका अर्धायु काल होगा 15 मिनट सारे बच्चे इस चीज को नोट कर लें बहुत जरूरी है ऐसे ही बहुत सारे निमेकल्स आपको करने आएगा जरूरत पड़ेगी आपको सिखाएंगे अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं नाइन्थ और टेंथ के लिए बेटा आप बोल तो रहे हैं सारे टीचर्स आएंगे और करेंगे हां मैथ्स का क्लास आ चुका है आप दोपहर को सुबह सुबह दस बजे से आप सुबह दस बजे सॉरी एक बात बताता हूं मैं आपको हां जी दस बजे से है ना कल सुबह दस बजे प्राइम हैप क्लासेस में जाके देखिए मैथ्स की क्लास ठीक है मैथ्स की क्लास आ रही है उनके जितने भी वीडियो उनको पहले आप देख लें ज्यादा अच्छा रहेगा बहुत सारी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर आपको बता दो बहुत इजी वे में पढ़ाते हैं मैथ्स जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है प्राइम हेब क्लासेस में सुबह देख लें और मैं लिंक देता हूं आपको पहली क्लास से देखना चाहिए उन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ाया डिफ्रेंसिएशन वगैरह पढ़ाया बहुत कुछ पढ़ाए अभी ओके हाँ जी फिलहाल केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री बहुत आसान है समझने में बहुत आसान है याद रखना चलिए साहब आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और आप सबको ध्यान रखना होगा इस बात का जो बच्चा पढ़ाई करना चाहता है दिल से, दिल से से मेहनत करना चाहता है आगे तरक्की करना चाहता है उन सारे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चा मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो दो में से एक काम तो कर सकता है या तो फ्री में क्लास पूरी यूट्यूब में रखा हुआ है मेरे चैनल के साथ प्ले वाइज आप देख सकते हैं और यदि आपको चाहिए ट्यूशन जैसी पढ़ाई रोज पढ़ाई आपके ऊपर एक पढ़ाओ पढ़ाई जैसा लगना चाहिए फील होना चाहिए तो आप हमारे ऐप के साथ आ सकते हैं विक्रम है प्ले प्ले स्टोर में जाकर के आप उसको इंस्टॉल करके देखिए लेकिन हाँ उसको पेड कोर्स लेने के लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा इसमें नंबर जो दिया गया है इस नंबर पर आपको कॉल करके लेना पड़ेगा फिलहाल आज की ये क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ नमस्कार धन्यवाद थैंक यू आपको कैसा लगा जरूर आप मुझे फीडबैक दीजिए और बताइए कि आपको मेरे क्लास के साथ जुड़ने में कैसा लग रहा है लेकिन याद रखिएगा जब तक क्लास शुरू से नहीं देखोगे इस चैप्टर का ये पांचवा पार्ट है आप पांचवें पार्ट में डायरेक्ट देख रहे हो तो मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा पहला वीडियो दूसरा तीसरा चौथा लाइन से देखोगे मैं गारंटी देता हूं बेटा मैं आपको समझा के रख दूंगा सिखा के रख दूंगा सीखना आपको है समझना आपको है बढ़ना आपको है आगे और मेरा साथ सिर्फ आपको गाइड करने का है तो आज की क्लास से समाप्त करता हूं नमस्कार धन्यवाद थैंक यू